स्वागत है आपके अपने चैनल इसके सफर में। इसके सफर में आज हम सफर करेंगे विद्यालय का, और हमारा टाइटल है सरकारी विद्यालय, बच्चे, शिक्षक और बैर कि बहुत ही धमाल होने वाला है, तो लास्ट तक देख के जाइएगा और कैसा लगा वीडियो कमेंट में बताइएगा। तो चलिए, अभी विद्यालय आ गया हूँ कि कुछ लोग सोचते होंगे कि ये बस वीडियो बनाता होगा, पढ़ाता क्या होगा, तो ऐसा नहीं है। मैं लंच टाइम और गतिविधि होता है उस टाइम वीडियो बनाता हूँ, बाकी टाइम मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। कि लंच का घंटी लगते ही कुछ बच्चे दौड़ते हैं खेलने के लिए, तो कुछ भागते हैं खाने के लिए, और सरकारी स्कूल के बच्चे जाने जाते हैं बड़े बड़े बहाने के लिए, जैसे कि सर कॉपी फट गया है, किताब फट गया है, नहीं लाए हैं, भूल गए हैं, बीमार थे, वगैरह वगैरह वगैरह। चाबी के साथ खेलते खेलते मैंने सोचा क्यों ना बच्चों के साथ कुछ करते हैं, खेलते हैं। की लागत नहीं थे नौकरी तो मारता जमाना ताना लागत नहीं थे नौकरी तो मारता जमाना ताना लागल बाटे भूख बउआ कबले आई खाना लागल बाटे भूख बउआ कबले आई खाना आ खाना नहीं खे खाए के तो मारा कोनो बहाना। ये उनके लिए जो मिड डे मील का नहीं खाते हैं खाना, नहीं खाने के लिए मारते हैं बहाना, तो मैं कहना चाहूँगा कि मिड डे मील का खाना होता है अच्छा, बस छोटी मोटी अफवाहों को सच मान बैठा है बच्चा, शायद इसीलिए कुछ बच्चे नहीं खाते हैं और बहाना बनाते हैं। चलिए खत्म। कि बचपन में बच्चे हर एक चीज को आधे आधे भागों में बांटते हैं, अगर झगड़ा करने पे नहीं जीते तो दांत से काटते हैं। काटा ना, कहाँ शर्मा आ गया, शर्मा आ गया, देखिए आप लोग बोले काटता है, कहाँ काट रहा है, काटता बाबू, काटो ना, काटो ना, दोस्त काट लो, साफ कच कचा है, साफ काटो, काट लो ना, रोएगा क्या है, लड़का हीरो है। मेरे क्लासमेट कहते हैं कि मैं बच्चों को बहुत पसंद आता हूँ, तो मैं बच्चों को पसंद आता हूँ क्योंकि मैं बच्चा बन के उन्हें समझाता हूँ। लाओ हम छूते हैं, देखो स्टार्ट हो गया। जियो। अच्छा, हमसे क्या सुनेगा तुम लोग? शायरी? ठीक है, सुना देंगे। आज ना बैर तोड़ के खाया जाएगा गाइस, हम लाए हैं लक्सी, अब मस्त बैर तोड़ा जाएगा और यहाँ पे खाया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कि बैर से वो बचपन का दौर याद आता है जब मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लंच के टाइम दौड़ के बैर के पेड़ के पास भागता था, जो भी मिल जाए ईटा पत्थर झटा जो भी चलाता था, बैर तोड़ के स्कूल में लाता था और सबको कच्चा कच्चा खिला के खुद पक्का वाला खाता था। यहाँ पे भी है सुनी भाई, कहाँ पे? इधर एक तो था ना, यहाँ सामने भाई। बचपन का याद आ गया यार, झाटा चला चला के छोड़ सही है लोग, उधर गिरा एक चीज बताता हूँ कि बैर के पेड़ पे आप चढ़ नहीं सकते क्योंकि बैर के पेड़ पे होते हैं बड़े बड़े कांटे, सारे पेड़ पे ही होते हैं कांटे, सारे डाल पे, सारे मतलब सब जगह कांटे ही कांटे होते हैं, फिर भी हम लोग बैर के पेड़ पे चढ़ के बैर तोड़ लेते थे, तो एक दो कांटे लग जाते थे और घर जाने के बाद दो चार चाटे भी लग जाते थे। नीचे भी दिखाइए ना, अपने से बनाइए तो ब्लॉग लीजिए, आप बहुत रख लिए हैं, एक हमको भी दीजिए, अपने से बनाइए, ए ब्लॉग बनाइए, बनाइए ब्लॉग, सबको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ठीक है, कलर का डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और कहाँ है?
अरे सब लोग आ जाएंगे। चलो चलते हैं गाइज, अभी हम लोग यहाँ मस्त गांव वाला नजारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पकड़िए तलाक से, अरे एक दो और तो कम पड़ रहा है। बाग यहाँ पर ऊपर एक दो चीजें बताता हूँ बचपन की, कि जो बैर तोड़ता है ना लक्सी वगैरह या कुछ भी से, उसे पका पका नहीं मिलता, क्योंकि वो जैसे तोड़ता है, जो जो नहीं तोड़ता है वो बगल में ही खड़ा होता है और वो पका पका लेके जस्ट मुंह में डाल लेता है। भाई बैर तोड़ने वाले को पका पका नहीं मिलता, बस वही मिलते हैं जो जो बिनने वाले मतलब चुनने वाले छोड़ दिया करते हैं। तुम्हारा बस चलेगा, तुम तो झूठ में सच में घीच कर सबका हो जाएगा। सनी भाई हो गया, देखिए दिखाइए कितना तोड़े लोग। देखिए गाइस कितना हम लोग बैर तोड़े हैं यहाँ पे है, अब सब एक दूसरे से कंट्रीब्यूट करके मस्त खाएंगे लोग इतना बड़ा लक्सी से। चलिए लेके चलिए, ये गांव वाला फील आ रहा है हम लोग यहाँ। अभी स्कूल में जो लंच टाइम हुआ है, हम लोग को ये बैर का पेड़ दिखा और यहाँ पे हम लोग आए और मस्त बैर तोड़ के खाए। गाँव गाँव में हम लोग क्या है कि इतना बड़ा ईट नहीं है, मोतिहारी के एक मोहल्ला ही है। हम लोग का जहाँ इंटर्नशिप चल रहा है वहाँ पे हम लोग वहाँ के बगल का ही इलाका है, ये हमारा ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम के पास ही है ये बैर का पेड़। रख दे, थैंक यू। चलिए आइए यहाँ पर ले लीजिए लो, अरे एक एक निकाल लीजिए लो, हम बाद में निकालेंगे इनको। पिल्ला खाना, एक पिल्ला यहाँ पर है दे दीजिए, सबको हम क्या खाएंगे भाई, सब हो गया। ये सब चीजों से सबका अपना बचपन याद आता है और हर कोई अपने बचपन में लौट जाना चाहता है। बचपन में लौटना नहीं है मुमकिन, पहले थे छोटे छोटे अब हो गए हैं बड़े बड़े हड्डी और स्किन। इंटर्नशिप में हम लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे हैं, साथ में बच्चों को इतना ज्यादा शिक्षित भी कर रहे हैं, बच्चे सक्षम भी हैं, कुछ कुछ सक्षम नहीं है तो उन्हें सक्षम बना देंगे। ये हमारा स्कूल है, बैठ चाप रहे हैं लोग आप लोग ना। ये सुचित्रा है, खिला रही है क्या कि छीन रही है? हेलो गाइस, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग में, नए व्लॉग में होने वाला है बहुत सारा धमाल, तो बने रहिए। धन्यवाद।